सनन सनन सन बहल बयरिया घनन घनन घन गरजे बदरिया टूट ही पलनिया में सुधिल दलनिया में किस्मत हमरो फूट गई फूट गई फूट गई रामा हो रामा निर्मोही बालम रूठ गई हर लबनी के छाक लागल होश उड़ल जाए होश उड़ल जाए बैसखवा के ताड़ी राम बड़ा जुलुम ढाए बैसखवा के ताड़ी राम बड़ा जुलुम ढाए। नमस्कार, मैं म्यूजिक डायरेक्टर मधुकर आनंद, आप लोग देख रहे हैं प्लैनेट भोजपुरी और इस चैनल के माध्यम से मैं अपना कुछ अपनी निजी बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ, शेयर कर रहा हूँ मैं। हमारा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पिताजी हमारे रिसर्च ऑफिसर थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में, सिंचाई विभाग में रिसर्च ऑफिसर थे। हम लोग 10 भाई बहन हैं, 7 भाई 3 बहन। तो आर्थिक स्थिति कोई बहुत मजबूत नहीं थी। पिताजी बड़ा गरीबी में हम लोगों को पाले पोसे, एक नंबर का पैसा उनका था, कोई गलत काम वो नहीं करते थे। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया और मैं पढ़ाई लिखाई में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था, लेकिन बहुत कमज़ोर भी नहीं था। पिताजी का सपना था कि बेटा अपना डॉक्टर बनेगा। पढ़ाई लिखाई में मैट्रिक पास करने के बाद हम बायोलॉजी लिए, लेकिन गाने में बहुत ज़्यादा शौक होने के कारण मैं क्लासिकल सीखने लगा और ध्रुपद घराने के गायक पंडित देवनंदन मिश्रा जी का मैं शिष्य बना और मैं ध्रुपद गायकी सीखने लगा। बहुत मज़ा आता था क्लासिकल गाने में। फिर मैं क्लासिकल का स्टेज शो भी करने लगा, परफॉर्मेंस भी मैं करता था। इसके अलावा मुझे गज़ल टाइप की गायकी बड़ा अच्छा लगती थी, तो गज़ल सुगम संगीत में ऑल इंडिया रेडियो में गाने लगा। इस बीच घर से प्रेशर हुआ कि तुम कोई नौकरी करो, तो मुझे लगा कि मैं संगीत के लिए ही बना हूँ, अगर नौकरी भी करूँगा तो संगीत में ही करूँगा। हमने बायोलॉजी का पढ़ाई छोड़ दिया, बायोलॉजी बड़ा टेढ़ा था। हम इतिहास ले लिए, हिस्ट्री ले लिए ग्रेजुएशन में और क्लासिकल को और आगे बढ़ाने लगे। उसमें तैयारी जद्दोजहद करके मैं संगीत शिक्षक की नौकरी मुझे हासिल हुई। बीच में हमारे पिताजी का देहांत हो गया, थोड़ी आर्थिक स्थिति और भी कमज़ोर हो गई। उस दरमियान मुझे एक आरा के फिल्मकार थे जो नई नई फिल्म की शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने मुझे संगीत निर्देशक का काम दिया और उसके लिए बॉम्बे बुलाया। यहाँ जब आके हमने म्यूज़िक दिया तो बहुत लोगों ने बड़ाई किया, प्रोत्साहित किया, कहा कि आप रियल में अच्छे एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आपको यहाँ रहना चाहिए। मैं बात नहीं सुना, मैं फिर वापस चला गया नौकरी में। फिर एक डायरेक्टर हैं प्रेम सिंह जी, उन्होंने जब भी 2-3 फिल्में बनाई ना, मुझे वहाँ से बम्बई उन्होंने बुलाया। उन्होंने मुझे बोला कि बाबू, जब भी तुमको देखता हूँ मदन मोहन की याद आती है, बहुत अच्छा तुम गाते भी हो और बड़ा अच्छा कंपोज भी करते हो, तुमको रियल में बता रहा हूँ, तुम बम्बई रहो, तुम कोई ऐसे धोखा में नहीं तुमको रख रहा हूँ, तुम रियल में अच्छे हो और ऐसे लोगों को यहाँ बहुत काम मिलेगा। मैं कहा कि सर, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, सरकारी नौकरी कर रहा हूँ और एक बूढ़ी माँ है हमारी, पापा है नहीं, तो माँ का देखभाल भी करता हूँ और माँ हमारे बगैर नहीं रह सकती। उन्होंने बड़ी समझाया, कहा कि बाबू, अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो तुम्हारी माँ और खुश होएंगी। तुम एक संगीत शिक्षक हो, तुम उससे बहुत कुछ, अपना जो दमित इच्छा है तुम्हारी वो पूरी नहीं हो सकती है। अगर तुम संगीत निर्देशक बढ़िया बनते हो तो तुम्हारे पूरे परिवार का नाम होगा, तुम्हारी माँ भी और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मैं उनकी बातों में आके और मैं मुंबई रहने का निर्णय लिया। हमने नौकरी छोड़ दी और मैं बम्बई आके शिफ्ट हुआ। भगवान के आशीर्वाद से जब बम्बई आके शिफ्ट हुआ, तब से आज तक कभी भी ऐसा दिन नहीं आया है जिस दिन हमारे हाथ में 5 फिल्में ना हों। तो ये एक ईश्वर का आशीर्वाद है। ये अलग बात है कि मुझे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने का मौका नहीं मिला। मैं भोजपुरी में काम करना शुरू किया और भोजपुरी में कभी पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा। सबसे पहले आई नहीं जौन फिल्म करे, माई तो रेखा तेरे नाम रहे फिल्म के, बड़ा अजूबा अनुभव था उसका। तो उस फिल्म में हम बहुत तरीका के गाना मिले रहे। अब याले चल खटलवा सोवे दे मोहे नींद आवे रे, पागल ना बन तू संभाल जरा मन तू, कुछ तो शर्म कर शर्म कर शर्म, मोहे शर्म आवे तो है शर्म आज काहे ना आवे रे। फिर लड़की प्याले चल खटोला सोवे दे मोहे नींद आवे रे, इस टाइप के गाने थे उसमें, 10-12 गाने थे। उसके बाद मतलब देखिए, लगातार फिल्में तो मिलते रहती थी। उस समय जो मेरा एकदम बिगनिंग था, तो उस समय छोटी छोटी फिल्में मिलती थी, जो फिल्में बहुत सारी लटक जाती थी। धीरे धीरे सर्कल बनता गया। मुझे एक फिल्म मिली मुन्नी भाई नौटंकी वाली। मुन्नी भाई नौटंकी वाली में हम भिखारी ठाकुर के जो अंदाज रहे,
ऊ अंदाज में बहुत सारा गाना बनेने। अरे अखिया से ढर के पियऊ ढर ढर पानिया, माटी में मिलल जाता चढ़ली जवानिया, माटी में मिलल जाता। अलग स्टाइल उसका अंतराम ने बनाया था निर्गुण स्टाइल में। अब बने से पहले उजड़ गईल खोता, ए परदेसी बरदास नहीं होता। इतना आगे हमारा निर्गुण स्टाइल। पूर्वी का हो गया। अब ही अधूरा बाटे प्यार के सपना, माटी में मिलल जाता चढ़ल जवानिया, माटी में मिलल जाता। इसके बाद फिर हमारा आया पवन पुरवैया। पवन पुरवैया के सारा गाना पब्लिक के बड़ा अच्छा लगल। ताला में चाभी डाल दा एहो करे जा, ताला में चाभी डाल दा, ये सब गाना बा। और मैं बहुत सारा गाना, कुछ तो गाना में आइले ना रहे पिक्चर में। और दिल धड़के रफ्तार में भागे सन सन प्यार के गाड़ी, दिल धड़के रफ्तार में नैना लड़ा लो ये गोरी टाटा के नैनो कार में। प्लैनेट भोजपुरी।